बच्चों आज हम पढ़ेंगे हीट जोन। हीट जोन क्या होता है देखो, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट रिसीव बाय ए पार्टिकुलर प्लेस द अर्थ कैन बी डिवाइड इनटू थ्री हीट और टेम्परेचर जोन। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ हीट के हिसाब से अर्थ को थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हीट और टेम्परेचर जोन में थ्री हीट और टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। एक है टोरिड जोन, टोरिड जोन को बच्चों ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, टेम्परेट जोन, फ्रिगिड जोन। ओके, तो अर्थ को थ्री जोन में डिवाइड किया गया है, हीट और टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टोरिड जोन। टोरिड बच्चों, टोरिड जोन क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, टोरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखो, दिस जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सोन। ये जोन क्या करता है, सोन से डायरेक्ट रेज रिसीव करता है। ओके, सोन से क्या करता है, सूर्य से डायरेक्ट रश्मि को, रेज को रिसीव करता है। ओके, द एरिया विच लाई ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टोरिड जोन। बच्चों जो जोन, जो एरिया बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, उसको कहते हैं टोरिड जोन। ओके, टोरिड जोन क्या करता है, सन से डायरेक्ट रेज को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और जो एरिया बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, उसको कहते हैं टोरिड जोन। क्या कहते हैं, टोरिड जोन। इन दिस जोन द क्लाइमेट रिमेन हॉट। ये जोन में क्या होता है, क्लाइमेट बहुत गर्म होता है, हॉट होता है, ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। ये जोन में साल भर गर्म हॉट रहता है और ह्यूमिड रहता है। ओके, साल भर गर्मी रहता है। उसके बाद आता है बच्चों टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, दिस जोन रिसीव स्लेंटिंग रेज ऑफ द सन। ये जोन क्या करता है, सन से स्लेंटिंग रेज को रिसीव करता है। कौन सा रे को, स्लेंटिंग रेज को रिसीव करता है, सन से डायरेक्ट रेज रिसीव नहीं करता, स्लेंटिंग हिसाब से रेज को रिसीव करता है। द एरिया विच लाई बिटवीन द टोरिड जोन एंड द फ्रिगिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। बच्चों इधर क्या होता है, जो एरिया टोरिड जोन और फ्रिगिड जोन के बीच में होता है, उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, व्हाट इज टेम्परेट जोन, जो एरिया टोरिड जोन और फ्रिगिड जोन के बीच में होता है, उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ये याद रखो, टोरिड जोन क्या है, जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, उसको टोरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन क्या है, जो एरिया टोरिड जोन और फ्रिगिड जोन के बीच में होता है, उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, दिस एरिया इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये एरिया में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा हॉट भी नहीं होता या ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होता। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रिगिड जोन। दिस जोन रिसीव्स स्टीप एंड स्लांटेड रेज ऑफ द सन। ये सन से स्टीप और स्लांटेड रेज को रिसीव करता है। ओके, सन से स्लांटेड एंड स्टीप रेज को रिसीव करता है। द एरिया व्हिच लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिगिड जोन। बच्चों फ्रिगिड जोन दो टाइप का होता है, एक है नॉर्थ फ्रिगिड जोन एंड साउथ फ्रिगिड जोन। तो बच्चों नॉर्थ फ्रिगिड जोन क्या होता है, जो एरिया आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल के बीच में होता है, इसको कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में होता है, इसको कहते हैं नॉर्थ फ्रिगिड जोन। जो आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में होता है, उसको कहते हैं नॉर्थ फ्रिगिड जोन। एंड द एरिया लाई बिटवीन और साउथ फ्रिगिड जोन क्या है, जो एरिया अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर के बीच में होता है, उसको कहते हैं साउथ फ्रिगिड जोन। ओके, जो अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर के बीच में होता है,
उसको कहते हैं साउथ फ्रिगेट जोन। द फ्रिगेट जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। फ्रिगेट जोन में क्या होता है, साल भर ठंडा होता है, कोल्ड होता है। ओके, फ्रिगेट जोन दो टाइप का होता है, नॉर्थ फ्रिगेट जोन एंड साउथ फ्रिगेट जोन। नॉर्थ फ्रिगेट जोन क्या है, व्हाट इज नॉर्थ फ्रिगेट जोन, जो एरिया लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द नॉर्थ फ्रिगेट जोन। जो एरिया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है उसको कहते हैं नॉर्थ फ्रिगेट जोन, और जो एरिया अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में होता है उसको कहते हैं बच्चों साउथ फ्रिगेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन क्या है, दो एरिया विच लाई बिटवीन द टोरिड जोन एंड फ्रिगेट जोन। जो एरिया टोरिड जोन और फ्रिगेट जोन के बीच में होता है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके,